आप लोग जानते हैं कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के 66वां राष्ट्रीय अधिवेशन इस बार महाराष्ट्र के विदर्भ प्रांत के नागपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्थिति मंदिर डॉक्टर हेडगवार स्थिति मंदिर में अनुष्ठित हुआ है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का राष्ट्रीय अधिवेशन हर बार बड़ा मात्रा में होता है। विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता राष्ट्रीय अधिवेशन में जाने के एक उत्सुक में रहते हैं हर बार। ऐसा ही इस बार भी ऐसा ही माहौल क्रिएट करने का छात्र और सभी में विद्यार्थी परिषद का राष्ट्रीय अधिवेशन कैसा होता है उसको लेकर एक माहौल तैयार करने का एक प्रयास था। लेकिन आप लोग सभी जानते हैं कि कोरोना महामारी को लेकर पूरे विश्व तथा भारत में जैसा परिस्थिति चल रहा है उसको देखते हुए उसके सभी परिस्थितियों को नज़र में रखते हुए इस बार अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का राष्ट्रीय अधिवेशन फिजिकली छोटे होने के बाद भी इस बार विद्यार्थी परिषद ने अपने अधिवेशन को लाखों कार्यकर्ता के पास पहुंचाने के लिए टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा उपयोग किया है। फिजिकली उस परिसर में 255 जैसे कार्यकर्ता उपस्थित थे, लेकिन पूरे भारतवर्ष में पूरे 1,12,000 छात्र ऑनलाइन के जरिए फेसबुक और वेबएक्स के जरिए हमारे साथ जुड़े थे, जो इस बार हर अधिवेशन से ये रिकॉर्ड संख्या में कार्यकर्ता ने हमारा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का राष्ट्रीय अधिवेशन देखा है। 25 तारीख हमारे पूर्व अध्यक्ष अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के डॉक्टर एस सुबैया और नवनिर्वाचित राष्ट्रीय महामंत्री सुश्री निधि त्रिपाठी दी ने ध्वजोत्तोलन के साथ विद्यार्थी परिषद का जो राष्ट्रीय अधिवेशन है उसका शुरुआत किया। उसके बाद विभिन्न भाषण सत्र के साथ साथ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष और राष्ट्रीय महामंत्री के चुनाव के दौरान ऐसे 2 दिन का ये राष्ट्रीय अधिवेशन 25 और 26 तारीख चला। इस बार हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते गुजरात निवासी डॉक्टर छगन भाई पटेल नवनिर्वाचित हुए और राष्ट्रीय महामंत्री के नाते सुश्री निधि त्रिपाठी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के PhD स्कॉलर पुनर्निर्वाचित हुए हैं। और संपूर्ण राष्ट्रीय कार्यकारिणी जैसे हमारा घोषणा होता है, पूरा राष्ट्रीय कार्यकारिणी घोषणा के साथ उड़ीसा में हम लोग बहन स्मृति सुधा साहू CWC मेंबर है और कितने NEC मेंबर कितने हैं 5 NEC मेंबर नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर उड़ीसा से इस बार पूरा हमारे राष्ट्रीय कार्यकारी में है। तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद राष्ट्रीय अधिवेशन में 4 प्रस्ताव ऐसे पारित करते हैं, जिसमें से पहला प्रस्ताव जो हमारा था, पहला प्रस्ताव में वर्तमान जो हमारा शिक्षा व्यवस्था जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का जल्द से जल्द क्रियान्वयन हो, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि मैकेलो शिक्षा व्यवस्था के दौरान भारत का जो शिक्षा का परिस्थिति था उसको भारत केंद्रित करने के लिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद बहुत दिन से अपना लड़ाई अपना मांग कर रही थी कि भारत का शिक्षा व्यवस्था परिवर्तन हो। इसलिए गत वर्ष नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के नाते इस भारत का शिक्षा व्यवस्था में कैसे परिवर्तन किया जाए एक ऐसा ड्राफ्ट सभी के सामने आया था। उस ड्राफ्ट को लेकर बहुत सारे चर्चा ऐसा विमर्श करने के बाद नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हमारे सामने आया। लेकिन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का अभी ये मानना है कि जल्द से जल्द ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लागू हो, इसके लिए ये प्रस्ताव सभी छात्र के सामने जो कार्यकर्ता उपस्थित थे सभी के सामने आया। दूसरा जो प्रस्ताव है वो है वर्तमान राष्ट्रीय परिदृश्य, पूरे भारत का अभी सिचुएशन कैसा चल रहा है। आत्मनिर्भर भारत से शुरू करके कोरोना महामारी के समय
भारत का हेल्थ सेक्टर में हाल कैसा था? भारत अभी पूरे देश में, पूरे विश्व में कैसे अपने आप को एक जगह में लेके जा रहा है? उसके साथ साथ ही आप लोग जानते हैं कि पश्चिम बंगाल का राजनीतिक हिंसा, कुछ दिन पहले महाराष्ट्र में हमारा जो मीडिया का मीडिया को जो फोर्थ पिलर बोलते हैं उसको दबाने की कोशिश, ऐसे केरला में भी मीडिया के ऊपर एक मैंने तंज कसने का एक जो व्यवस्था किया जा रहा है उसको लेकर भी निंदा किया गया जो राष्ट्रीय परिदृश्य में आया। तीसरा जो प्रस्ताव है, सबसे उल्लेखनीय विषय, जो आत्मनिर्भर भारत, हम लोग जानते हैं कि कोरोना महामारी के समय भारत ने जो अपने खुद के प्रयास से पीपीई किट निर्माण से शुरू करके हेल्थ सेक्टर में जैसा जैसा डेवलपमेंट किया जाए, हर सेक्टर में चाइना का जो प्रोडक्ट है उसको बंद करने के दौरान अपने खुद के बनाए हुए प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने का जो एक विषय आ रहा है, उसके साथ साथ गांव में विभिन्न जो श्रमिक से शुरू करके विभिन्न जैसे बहुत सारे लोग अपने काम को छोड़कर घर आ गए थे, लेकिन उसके बाद भी एक आत्मनिर्भरता के कारण वोकल फॉर लोकल जो अपना प्रधानमंत्री जी ने अपना एक स्लोगन दिया था उसको साकार करते हुए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का भी एक प्रयास है कि भारत को कैसे आत्मनिर्भर बनाया जाए, उसको लेकर यह तीसरा प्रस्ताव था। और चौथा प्रस्ताव में आया कोरोना महामारी के कारण भारत का जो संपूर्ण परिस्थिति और सीनारियो था, एक आर्थिक मॉडल जो था, सब कुछ को लेकर जो एक एक साल में उथल पुथल हो गया पूरा व्यवस्था, उसको लेकर भारत आगे कैसे जाए, भारत का जो प्राचीन पद्धति था, हम लोग जैसे आयुर्वेदिक विभिन्न पद्धति जैसे इस्तेमाल करते थे उसको आज पूरा विश्व कैसे मान रहा है, हमारा नमस्ते जैसे एक अभिवादन था, पहले तो सभी लोग हैंडशेक करते थे लेकिन उस कोरोना आने के बाद नमस्ते अभिवादन को सब लोग कैसे अपना लिया, तुलसी का काढ़ा हम लोग पी रहे हैं, तो आयुर्वेदिक चिकित्सा व्यवस्था भारत जैसे एक मॉडल था उस व्यवस्था को फिर से कैसे दोबारा लेके आ सके। और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का भी इस महामारी के माने दौरान कैसा सेवा कार्य में लिप्त रहा, कार्यकर्ता पूरा देश में 2000 से ऊपर कार्यकर्ता अपना ब्लड डोनेशन किया, जैसे बोलते हैं उस टाइम पे सभी लोगों का एक ऐसा मानना था कि अपना शरीर का इम्यूनिटी कैसे बढ़ाया जाए, शरीर कैसे ठीक रखा जाए, किंतु लेकिन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता उस टाइम भी अपने खुद का शरीर का माने ध्यान ना रखते हुए दूसरे का जीवन कैसे बचाया जाए इसके लिए ब्लड डोनेशन किया।